अलवर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने निवास पर लोगों से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान लोगों ने उन्हें गुलदस्ते और माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा केवल जुमलों के आधार पर मतदाताओं से वोट मांगती है। उन्होंने अलवर के विकास के लिए कांग्रेस को समर्थन करने का सभी से आह्वान किया और साथ ही इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली सहित बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। जनता के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना कितना उत्साह है और कल से ही हमें कई घंटे, मेरे ख्याल से 10-12 घंटे लगे भिवाड़ी से अलवर आने में और हर जगह के ऊपर लोगों ने स्वागत किया और खास तौर से इसलिए कि आज अलवर की जनता अपने आप को थका महसूस करती है। बड़ी बड़ी योजनाएं जो 50 साल में 100 साल में नहीं आ सकती थी, वो हम एक हमारे अलवर जिले के अंदर लेके आए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाई स्पीड ट्रेन, चंबल के पानी की योजना, BSI मेडिकल कॉलेज, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं और खासतौर से रोजगार की जो योजनाएं आई हैं उससे जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने रोकी थी, तो उसका बदला जरूर इस चुनाव के अंदर अलवर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।